यहाँ पे हमारे कबीले में कोई भी हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश करेगा ना तो हम यहाँ पे उसे लटकाएंगे। कहो जे गाने लान लग पे रेडियो से टिंग। अस्तफुल्ला अस्तफुल्ला अस्तफुल्ला, बंद कर दे यार इनू। तेरे वेले वेखदा ई वे मेरा लौंग बचा। देखो यार सारे टायर नहीं है ओदे, दादा पता नहीं अडाग चलाउंदा सी। आ वी कुकड़ी लोकी भावें कहन कुकड़ी चोर। तुसी अगर आंडे ना दिते फिर वेखियो, एक टाइम च तुसी 6 आंडे देने, पानी भरने के बाद ये भी रख देते। कुकड़ियां किथे गईयां? ओए तुसी अंदर चलो, इत्थे बैह आराम ना। और दूजी किथे तेरी भैन? मैं तुहाडे ना छित्तर बड़े लाने, जे मेरी इजाजत बगैर इत्थों घरों बाहर गईयां। आइए पता करते हैं। रैंच मीनिंग इन उर्दू खेत। सही 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 सही। तो इस सीरीज का नाम है रैंच सिमुलेटर। सबसे पहले मैं इस गेम के बारे में बता देता हूँ कि ये गेम है क्या, ये किस तरह से खेलनी है, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ ऐसे भाई बहन बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए हैं जिनको गेम वेमे का ज्यादा पता नहीं है, पर बस वो हमारी चाहत में बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनके लिए गीली चुम्मी। तो रैंच सिमुलेटर ना एक सर्वाइवल गेम है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी जंगल में फेंक दिया जाए और आपको वहां पे सर्वाइव करना हो, तो कुछ इस तरीके की ये गेम है। हम यहाँ पे एक जंगल में हैं, जंगल के बीचों बीच में हैं। यहाँ पे जानवरों का खतरा भी है, शेर शूर भी आगे हमारे दंडी काट सकता है, सांप सूप भी आगे हमारे दंडी डूडी बांट सकता है, तो हमने उनसे भी बचना है। यहाँ पे खेती बाड़ी भी करना है, यहाँ पे मुर्गियां शुर्गियां हमने कोई पेडू शेडू भी पालने हैं, पेडू शेडू को पाल के खेती बाड़ी करके उन चीजों को हम बेचेंगे मार्केट में जाके, मार्केट से वो पैसे आएंगे, उन पैसों से फिर हमने अपना मकान भी बड़ा करना है, अपना कारोबार भी वसी और रईस करना है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। हाँ तो फिर समझ आ गई? नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, गेम खेलते हैं, हौली हौली आ जाएगी। ओके लेट्स गो। तो यहाँ आप पीछे सुन सकते हैं बड़े अच्छे वाली हवाएं चल रही हैं, क्योंकि हम जंगल में खड़े हैं और चिड़ियों चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं, हवाएं भी बड़ी तेज चल रही हैं, तो यहाँ पे इस तरह का लगा रहेगा। सबसे पहले हमने बनाना है अपना करैक्टर। तो ये भाई तुरे आ रहा है, सज्जे से खब्बे पासे आया है, तो यहाँ पे मेल है फीमेल है, तो हम मेल ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि हम फीमेल भी बनाएं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम पहले अपनी बूथी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओए अल्लाह माफ करे, मेरा एंड नहीं आया। वो यार मेरे वर्गा नहीं लगन दिया। आए ओए जरा पिंकिश पिंकिश रखें। वैसे तो हो नहीं सकते, इदा ही रख लेने यार। डिंपल शिंपल नहीं पेंदे? आ की है नक मारा किड्डा सैज। ओए एडा पकौड़े जिडा सैज नहीं है हमारा। ओए 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 ओए, इसके नाक क्यों चेक करो, क्या हो रहा है? वेट बताओ यार कितना रखें हम? हैं इतने, पर इसमें इतना रख लें। आए हाय हाय हाय, लगता नहीं नान चने दी अपनी दुकान मेरी। आप यहाँ पे कपड़े छपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं। शर्ट ले, इंटरव्यू देने चलना। सादे जे कपड़े पा पाए तो खेती बाड़ी करनी, शॉर्ट्स नहीं, ऐवें हमारी लत पे कोई पब्बू लड़ जाएगा। लाओ जी मुंडा तैयार हो गया, अब चलते हैं सीधा ही हम गेम में। न्यू गेम, बिल्कुल ताजा गेम हमने स्टार्ट करनी है। गुड हो गया। ये देखो भाई हम जंगल के बीचों बीच है, इधर पहाड़ियां हैं, ये बंग जंगल जंगल बाबा लगे हुए हैं, और जंगल जंगल कह रहा हूँ दरख्त लगे हुए हैं, वो परे शिमला के वक्त की पहाड़ियां हैं। तो ये समझ लो कि ये हमारा एक कबीला होगा, यहाँ पे ये उसकी बाउंड्री लगी हुई है, और ये इसका एंट्रेंस पे दरवाजा है। यहाँ पे एक भेडू की खोपड़ी लटकाई हुई है। यहाँ पे हमारे कबीले में कोई भी हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश करेगा ना तो हम यहाँ पे उसे लटकाएंगे, इत्थे ओदी धुप्पे मौत होएगी। तो जनाब हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले ये नीला या जो टिमकड़ा सा नजर आ रहा है, सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी यही आ रहा है कि उधर नू चलो, तो फोटो मारो एंड दरवाजा खोलो। तो यहाँ पे एक मेरे ख्याल से खत पड़ा हुआ है, एक बाल्टी पड़ी हुई है, तो इसे चूकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला एक लेटर, लेटर जो छोड़ा है इसके दादाजी ने, मतलब इसके दादाजी ने, मतलब ये करैक्टर हमारा है, तो मतलब लालो के हमारा ही दादाजी ने, पता नहीं है वैसे हमारे पास कोई दादे दूदे क्यों टकरी जा रहे थे, वो ग्रहणी थी उसमें भी दादा और दादी थी, यहाँ पे एक दादा, चलो कोई ना।
तो इसमें उसने लिखा हुआ है कि मेरी एक बहुत विश थी कि मैं अपना एक अच्छा सा रैंच बनाऊं, जो मैं अपने टाइम नहीं होता था, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे मिली, मैं उसकी वजह से ना अपना रैंच को मुकम्मल नहीं कर सका। तो दादाजी ये चाहते हैं कि तुम यहाँ पे आओ और जो मेरा सपना था उसे स्वीकार करो, जो काम मैं नहीं कर सका उसे तुम करो। असल में पिछली गल बताऊं तो ग्रैंडपा जरा हार्ट आराम से बंदे थे, अपना काम खुद करते नहीं थे, वो काम किया नहीं और अब ये इनका काम हमें करना पड़ेगा। और फिर लिखा हुआ है कि मैंने आपके लिए कुछ चीजें छोड़ी हुई है जो तुम्हारे काम आएगी, और एंड में लिखा हुआ है आई बिलीव इन यू योर लविंग ग्रैंडफादर। ओके दादाजी कोई ना, हम आपका ये सपना स्वीकार करेंगे, दादाजी आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हमने अब जाना है, ये जो दो नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे छोटा सा कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे हम नीनो नीनो कर सकते हैं, अपनी नीनो पूरी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने वाड़ के सो जाना है। पर फिलहाल हमने काम करना है, दादाजी ने हमें काम दिया है, हम आते ही सो गए तो दादा का सपना स्वीकार नहीं होगा। तो हम नासे पाजे जाते हैं इस नीले डॉट की तरफ। ओए इधर दिया है, ये ठुटा मार के ये दरवाजा खोलते हैं, तो यहाँ पे एक रेडियो पड़ा हुआ है, रेडियो कहते हैं कि चलाओ, चला दिया। कहो जे गाने लान लग पे रेडियो ते, टिंग। बंद कर दे यार इनू, बहुत गंदे गंदे गाने लगाए हुए थे। तो अब हमने जाना है अपने टेंट की तरफ, टेंट में जाके थोड़ी सी नीनो पूरी करनी है, नीनो पूरी करने के बाद हम वापस आएंगे और देखते हैं कि वापस आके हमने क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड आर टू सेव द गेम। ओके गेम्स हो गई, होल्ड एंटर टू स्लीप, हम पूरा जिन्ना सो जाते हैं। तो चलो हम चलते हैं अब दोबारा से अपने मिशन की तरफ, मिशन की तरफ नहीं मतलब अपने काम की तरफ। हमने ये दो जो टिमकने नजर आ रहे हैं इसकी तरफ जाना है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ही है। एक तो फस पता नहीं क्यों हो जाता, पता नहीं तेल देने वाला इनू, इधर से एंड जाना। वो उत्ते किधर तो ही जाना, दादे ने घर पौड़ियाँ भी लवाइया कि नहीं, आवे आ चेक कर, दादे ने वक्रे बार्डर लवाया ओ पौड़ियाँ। तो हमने यहाँ से इसको टैड पे करना है, तो इसको हमने हटा दिया है, ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारे लिए कुछ दादाजी ने छोड़ा हुआ है। ओहो नीचे नीवे 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 होके मेरा चाल वे दाई, मेरे वेले अवेक दाई वे मेरा लौंग बचा इसे उंगलते। ओए दादाजी तो फोली स्नाइपर सी, ओए फोली हमारे लिए बंदूक छोड़ी हुई है, साथ में बुलेट भी है, थोड़े से पैसा भी है और एक फिर से लेटर है। Take this revolver in the forest are many wild animals that can cause you trouble. I have left some money and ammo. One more thing, you will need a car in the garage at the entrance to the ranch. There is an old UTV. You will need to use spare parts you find here to fix it. Good luck. Okay, हमें यहाँ से जाना है वापिस, और वापिस जाके हमने दादाजी ने हमारे लिए एक गड्डी भी छोड़ी है, वो हमने गड्डी तैयार करनी है, वो देखते हैं कि कहाँ पे है। फिलहाल हम यहाँ से थले जाते हैं, इससे ढूंढ के हमने जो भी चीजें यहाँ से मिल जी जाएंगी ना, हमने वो लेके जानी है यहाँ पे। तो ये हमारी गाड़ी है, दादाजी ने वे सारे उथे चीजा कोई किते रखी है, कोई किते रखी है, देखो यार सारे टायर नहीं है ओदे, दादा पता नहीं हटा के चलाउंदा सी। एक टायर उसका यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है क्या होता है, ये पड़ा है, एक टायर ये रहा, ये भी लगा दिया, इसकी टैंकी पेट्रोल वाली, एक टायर ये पड़ा हुआ है, ये भी लगा दिया। अब मेरे ख्याल से दो चीजें रह गई हैं, आ गया ये है मेरे ख्याल से उसका वो आगे जो लगा होता है ना मगराड़, चल ये भी लग गया, ये भी यहाँ पे लग गए। यहाँ पे हमने स्कैन को यहाँ पे रख लेना है, इन एनी केस हमने कोई पेट्रोल हमारा मुंह को जाए तो हम ये इसमें पेट्रोल को आग ले आ सकते हैं। सबसे पहले हमने इस गड्डी को लेना है, गड्डी स्टार्ट कितने होनी है, गड्डी हो गई है स्टार्ट, ओ क्या गड्डी हो, जंप मार दी। तो हमने जाना है गैस स्टेशन पे, वहां से पेट्रोल को आके आना है, गैस स्टेशन यहाँ पे पास ही है, ये मैप में भी नजर आ रहा है, हम वहाँ पे सीधे सीधे जा रहे हैं, हमने मार्क भी लगा लिया है, ये रहा गैस स्टेशन, वो सीधी करके ला है, बस बहुत आ, ये उठाना है और कितने लाना, ये
इधर यहाँ पे पेट्रोल का पाइप लग गया है और अब यहाँ से करना है कुछ। तो यहाँ से हमारे पैसे कटने शुरू हो गए हैं। अब इस जो टैंकी हम लेके आए हैं इसमें भी भरना है। वो किधर गई? अब फिर से यहाँ से यहाँ पेट्रोल को स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे लाइन ऊपर आ रही है, कितना भर गया। तो ये हो गया मुकम्मल, हमारे पैसे भी बाबा सारे कटे गए हैं। तो यहाँ से उसे उठाना है, यहाँ पे वापस लगा देना है और चलो हम लेके अपनी गाड़ी चलते हैं यहाँ से। तो हम फटाफट से वापस चलते हैं, बल्कि हमने रेंच वापस नहीं जाना, हमने एक रियल एस्टेट से जाके एजेंट से बात करनी है। पहले हम वहाँ चलते हैं रियल एस्टेट एजेंट के पास। ये पास में है, इतना शुक्र है हमने बहुत ही दूर नहीं जाना पड़ा। ओके हाँ भाई आ गया, बोल भाई की कहना तू। तो हमारी यहाँ पे बात हो गई है इससे, तो अब ये रह गया, एदे नाल भी गल कर लेते हैं। ओके गुड बाय, ऐसे भी हमारी बात हो गई। अब हमने जाना एक और जगह, और हम बाहर आए हैं तो हमने देखा है कि रात पै गई है। यार गड्डी स्टार्ट करना मैं भूल ही जाता हूँ, GTA 5 वाली आता पईयां हुई हैं। ओए सामने हिरन भी एक, ओए अच्छा हमने यहाँ पे आना है, यहाँ से अपनी गड्डी को जरा नहीं तो यहाँ करवानी है इसकी। इसकी हम कलर चलर भी चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड हो गई। तो अब चलो भाई बाहर, अब हमने जाना है हार्डवेयर स्टोर जाना है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो फटाफट चलते हैं हार्डवेयर स्टोर, क्योंकि रात भी होने वाली है, तो टाइमो टाइम हमने घर भी पहुँचना है। अम्मी कहती होती है कि टाइमो टाइम घर आ जाए करो। ओए रुक जा दियाँ ब्रेकों का आटा, ओए काला दरवाजा खोल। तो ये हमारा क्या कहते होते हैं मेन्यू बारी जो भी कह लो वो है। तो यहाँ से हम चीज़ें ले सकते हैं, हमारे पास पैसे है कोई? ओए हमने एक क्रोबार भी लेना है और एक लेना है ये क्रोबार और एक चीप टेबल सा। चलो भाई ये भी ले लिया, वहां से परचेज की है और यहाँ से उठानी है। कितना जमीन तो सुटती यार, मैं हराम दी लई। एक चीज हमारी रह गई, वो मेरी गड्डी कितने ओए, इसे यहाँ पे रख देते हैं। अभी भी टॉक विद सेलर, यार इतना नेरा हो गया है मुझे दिख ही कुछ नहीं रहा, बाकी काम सुबह नु कर लांगे। तो हमने इधर जाके ना एक सेलर से बात करनी है, वो हमारा टास्क रहता है। फटाफट से उधर पहुँचते हैं। तो हम पहुँच गए, चलो भाई यहाँ से जाना है अंदर। वो कहते सैटरडे क्लोज, वो आंटी अंदर बैठी है। यार किदा खुलना वहाँ। तो अभी के लिए यार मेरे ख्याल से ना हमें वापस जाना होगा, सुबह को आना होगा, क्योंकि रात हो गई है, वो शॉप बंद हो गई है और हमें कुछ वहां से मिल ही नहीं रहा। ओए वो हिरण पीछे पै गया उतरी। हमें ये भी एहसास हो गया कि जब रात होगी हमने टाइमो टाइम घर पहुंच जाना है। तो इधर से हमने जाना है अपने रेंच की तरफ, ये रास्ता नजर आ रहा है पूरा पूरा। तो हम अपने रेंच पे पहुंच गए शुक्रा। अभी हमने सिर्फ ना और कुछ नहीं करना, अपना टेंट जो लब गए ना वहाँ पे ना सो जाना है ताकि सुबह हो जाए, फिर जब सुबह हो गई तो फिर हम देखेंगे कोई और काम करेंगे। तो इसकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, ये तो पहले के ये बाद चु बैटरी नवी पवानी पवे। आइयो चलो जी चलो उठ, सुबह काम तो चलिए। अब चलते हैं हम वापस, बल्कि ये इसे हम उठाते हैं, बल्कि ये जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करनी है ना इसे वहीं पे रखाते हैं। ये जो हमारा है पेट्रोल वाला कैन, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं अंदर। आ पे आई फिर, अब वापस से चलते हैं उससे बात करने, राती तो नेरा ही बहुत हो गया था। हम बिचों बिचों चलते हैं शॉर्टकट लेके। ओ चलो जी अब खुला है। हाँ बाजी राती तू अंदर बैठी, बंदा पूछे तू दरवाजा ही खोल दे, मैं एडी दूरों तक आया तो तू कह देता दरवाजा इतने दुकान बंद आ। ये कोई बिहेवियर होया भला, असी ताडे इस पूरे इलाके के पहले कस्टमर हाँ, होर तेनों जंगल च किसी ने मूँह लाना नहीं है। आ गई है हूँ की करना। अच्छा तो यहाँ से हमने लेनी है एग बास्केट लेनी है और दो चिकन लेने हैं। एग बास्केट और दो चिकन हम कुकड़ियाँ किस रंग की लें? ये सही है, आया है एक चिट्टी है एक काली है और ये गोल्डन कलर की है, ये दो लेनी है। चलो भाई हमारी बास्केट ये पड़ी है, इसको उठाते हैं और ये दो कुकड़ियाँ हमारे, एक कुकड़ी आ दूजी कितने ओए, दो लिया सी यार मैं। ओए कोई
अच्छा एक टाइम में एक पकड़ी जाएगी। फिलहाल हम ना ये पहले ये टोकरी रख के आते हैं वहाँ पे। टोकरी ना यहाँ पे जरा साइड पे रख देते हैं। चलो भाई आ भी कुकड़ी। लोकी भावे कह कुकड़ी चोर। नहीं नहीं भाई कुकड़ी चोर नहीं मेरी जातियाँ उन्हें $50 की लई एक दूजी आ तुम्हें कितने आ तुसी अगर आंडे ना दिते फिर वेख्यो तुहानू हलाल करके खाएना। एक टाइम च तुसी 6 आंडे देने जे मेरे घर च रहना वरना मैं तुहानू फिर उत्थे जंगलां च छड्ड आना फिर तुहानू कुत्तियां ने खाएना। ओके अब हमें जाना है अपने रैंच में वापस। वो मुर्गियाँ चेक करो कितने आराम से बैठी हुई हैं। मुर्गी को हम पकड़ते हैं और मुर्गी को छोड़ते हैं। कितने छोड़ना यहाँ पे छोड़ देते हैं। दूजी मुर्गी आती है इसे भी हम पकड़ के यहीं पे छोड़ देते हैं। इतों कितने जाया ना वे इनू कितने रखना ये ज़रूरी चीज़ें ना मैं कहता हूँ हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमने ये दाना इसका लेके ना मुर्गियों का यहाँ पे रखना है यहाँ पे। बाहर बारिश भी होने लग गई है तो हम दाना यहाँ पे खिलार देते हैं और अपनी कुकड़ियाँ चौक लाते हैं और उनको वहाँ पे छोड़ते हैं ताकि ये दाना पानी खा सके। चलो नी खाओ। दूजी कुकड़ी कितने मेरी ए उरे आ नी। चलो तुम्हें बाहर बारिश हो गई है तो तू इतने ही कर नहीं। इसको कूलर को हमने यहाँ पे रख लिया। ये बकेट लेते हैं इसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद ये भी रख देते। वो कुकड़ियाँ कितने गई हैं ले ये भी यहाँ पे रख देते हैं। किधर गई हैं ओए तुसी अंदर चलो ए तेनू मैं की किया इतने बह आराम ना। और दूजी कितने तेरी भैन तेन तू भी इतने फिरती पई मैं ते ना छित्र बड़े लाने जे मेरी इजाजत बगैर इतों घरों बाहर गई हैं। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि ये दोबारा से बाहर ना आए। तो अब हमने ना इन मुर्गियों के लिए ना एक सबसे पहले एक छोटा सा पिंजरा बनाना है। तो यहाँ से देख लेते हैं स्मॉल कूप कहाँ से बनेगा। तो ये रहा स्मॉल कूप। ये मीडियम है ये प्रीमियम है ये बिग है। इसमें 5 मुर्गियाँ आ सकती हैं इसमें 8 आ सकती हैं इसमें 20 आ सकती हैं इसमें मोर देन 20 आ सकती हैं मोर देन 20। तो ये बनाते हैं हम यहाँ पे किधर बनाए ये बना देते हैं यहाँ पे ज़रा ना साइड पे करके ना ये इत्थे। पिंजरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसको मतलब बनाने के लिए ना वो चीज़ें चाहिए जिससे हम ना चीज़ों को बना सकेंगे। तो जो हमने यहाँ पे ये लेके आए थे ना एक मशीन वो हमने यहाँ पे लगानी है यहाँ पे लगा देते हैं ठीक हो गया। और हमने ये जेरी कैन लेनी है और यहाँ पे पेट्रोल भरना है। पेट्रोल यार इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा इतने में ही। ये रखते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं वापस जाते हैं। ये यहाँ पे कुछ वुड पड़ी हुई है इसे हम ले कर जाते हैं इस पर हम प्लेस करते हैं और इसको चला देते हैं। पेट्रोल हमने उसमें नहीं डालना था पेट्रोल बल्कि इसमें डालना था उसमें हमें डाल दिया। वाह ये देखो ना अब इसमें पेट्रोल डाला है तो वो मशीन फटाफट से चल गई है। अब इसे उठाना है इसे वापस यहाँ पे रख देते हैं और अब यहाँ पे चलते हैं। अब इस ये काटेगी एल वो शुरू हो गई और ले जाते हैं तब तक वो वहाँ पर कट ही जाएगी। ये वहाँ पर छोड़ देते हैं तब तक दूसरी ले आएगी वो अभी तक काट ही नहीं गई। ये भी काटी जाएगी तो ये भी आखिरी रह गई। ये चुकते हैं हम इसको हम उठा लेते हैं और चलते हैं लेके वहाँ पे जहाँ पे हमने अपना खुड्डा बनाना था ना अपना खुड्डा नहीं मतलब मुर्गियों का खुड्डा। हमें टोटल चाहिए 15 प्लैंक्स चाहिए तो ये पता नहीं 4 लग गए हैं और ये पता नहीं कितने हैं और तू उधर बांधो। तो अभी हमें और चाहिए कितने भला ये तो मेरे ख्याल 2 हैं। तो ओके अब हमने यहाँ पे ना दरख्त काट लिया है। दरख्त काटने के बाद ना इसके पीसेस कर लिए ये पीसेस उठा उठा के ना हमने लेके जाने हैं वहाँ पे हमने जो हमने अपनी आरी मशीन लगाई थी ना उसके पास। सबसे पहले हम मशीन ऑन कर लेते हैं इतने प्लेस कर देते हैं इदा फटाफट से दूसरी ले जाते हैं तब तक वो हो रही है हम एक और ले जाते हैं। चलो जी चल भी चल फटाफट हो जा 1 2 3 4 5 6 7 ये लेके चलते हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से और भी दरख्त काटने पड़ेंगे हमें 12 हो गए पूरे हो गए 3 रह गए हैं बस। ओ यार एक प्लैंक रह गया सिर्फ एक प्लैंक के लिए हमें एक और काटना पड़ेगा दरख्त। चलो भाई कुल्हाड़ी बड़ी इसकी तेज़ है इक्को दे नाल ही टूट जाता। चलो भाई ये भी लेके चलते हैं एक प्लैंक हमारा कम रह गया था इसे भी लगाते हैं फटाफट से यहाँ पे पहले इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और चलो भाई
हमारी मोटर से नहीं, मशीन की मोटर में से धुआं निकलने लग गया है। लो भाई हमारा ये वुड का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, खुडा इसका बन गया। लो जी ये जो एक बची है इसको हम वहीं पे रख देते हैं जहाँ पे ये पहले जो मशीन पड़ी हुई है यहाँ पे रख देते हैं। अब ना रात हो रही है, मेरे ख्याल से पहले ना सवेर कर लेते हैं फिर सुबह कोई काम करेंगे। यहाँ पे सो जाते हैं, अभी भी रात है, उठे और सो जाते हैं थोड़ा सा, फोन की हालात है। चलो भाई यार उठ गए हैं पर ये पता नहीं सुबह हुई है कि शाम हुई है। बल्कि ये पहले कुकड़ियाँ अपनियाँ चुकते हैं, कुकड़ियों को चुक के ना जिनका जो खुडा बनाया हुआ है ना वहाँ पहुँचाते हैं। वो खुडा कितने सी हुए ये पता नहीं यार, रात हो मजीद हो रही है या सुबह हो रही है। आइयो खुडा, ओए बंद, अंदर बढ़, फिर बाहर आई जान दी। दूजी कितने है, काफी अंधेरा हो गया, नजर नहीं कुछ आ रहा। वो देखो शामा पैया तेरे बिना। चल भी तुम्हें, ये इनका पानी भी है, पानी भी यहीं पे इनके इनके पास रख देते हैं। चलो भाई लो भाई इसको सवा दिया था, अब ये ना जरा सुबह हो गई है, अब मैं देखो ना है रोशन रोशन काम होया पे सारा। अब चलते हैं हम जरा अपने असल काम की तरफ। तो लो जी हमने अपने इस घर को ना तोड़ना है, तोड़ के ना इसको दोबारा से रीबिल्ड करना है। सबसे पहले इसे तोड़ते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, ये ना हो बाद चो सारा कोई साढ़े उत्ते डिगदा हो। चलो जी एक ही बार में टूट गया, कैसा है यार फोर वाली ए ताकत वा, आ भी गया आ भी गया तू भी गया, वाह 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 वाह, ओए 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 एक ही बार से पूरी छत पर। इसे तो पाकिस्तान में बुलाना चाहिए, पाकिस्तान में इसे ना लैंडर तोड़वाने चाहिए। चल 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 टूट जा तोड़ दे सब निस्तो नाबूद कर दे। तो काफी सारा हमने घर को तोड़ दिया है, बस ये थोड़ा सा हम नीचे रह गया, ग्राउंड फ्लोर रह गए, बाकी ऑलमोस्ट हमने सारा तोड़ दिया है, मजदूर बन गए हैं हमने। दादाजी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, दादाजी ने अपने काम आप किए नहीं है तो अब हमें करने पड़ेंगे, हमें चंगे भले बंदे को मजदूर बना दिया। आ रह गया आ आ लाओ जी, ओए 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 डी बड़ी दाई। तो आज की वीडियो को ना हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ओल्ड जो रेंच था हमने तोड़ दिया है, तो नया जो रेंच है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, अच्छा सा रेंच होगा, मजेदार किस्म का लेवल का लेकर रेंच बनाएंगे अपने लिए, और जो मुर्गियों का खुडे छुडे में ना वो भी बड़े बनाएंगे। और यहाँ पे एक हमने एक ट्यूबवेल नहीं मतलब वो कुआं भी लगाना है, वेल लगाना है, और भी एनिमल लेके आएंगे अपने यहाँ पे रखने के लिए। और जो बाड़ है ये बाड़ भी यहाँ से टूटी हुई है, तो वो बाड़ भी हमने मजबूत करनी है, अपने सारे जो एरिया है ना उसके गिर्द बाड़ लगानी है क्योंकि कोई एनिमल यहाँ पे ना आ सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे ये भी बताना कि ये न्यू सीरीज कैसी है, कैसी लगी आपको, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, और क्या क्या करना चाहिए इसमें मजीद, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरी ब्रांच पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे मेरी ब्रांच पे फॉलो कर लेना, और अगर इस चैनल पे नए होते दिल के सत्ता टके रहे हैं खुश आमदीद, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी मजे मजे की यहाँ पे वीडियोस आती रहती है। तो शुक्रिया मोहब्बतों को चाहते करके आप तो का शुक्रिया प्यार का इजहार का इकरार का आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।